हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस चैनल पे लाए हुए हैं मगन यूनिवर्सिटी यानी एमयू से बीएड 2020-22 के सेशन का, जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुआ है, उस क्वेश्चंस को कि आखिर बीएड के जो पेपर हुए उसमें कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, ये है हमारा कोर्स वन, यानी कि C1 का मतलब हुआ फर्स्ट पेपर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एमयू के क्वेश्चंस में बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020-22 यानी 20-22 के सेशन है बीएड फर्स्ट ईयर का। इसमें पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इसमें आप जानते हैं कि ये पेपर टोटल 3 घंटे का होता है, फुल मार्क्स 80 का है। ऐसे अगर पूरा बात करें तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन सेंटर पे जो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके 80 मार्क्स के पेपर हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि अपने, अगर आपको आंसर आ रहा है अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। दूसरा लिखा है कि सभी क्वेश्चंस के सामने राइट साइड में ये भी अंकित किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि सभी खंडों से उत्तर देना है, यानी कि अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, सभी सेक्शन से आपको मिलाकर कोई 5 क्वेश्चंस का आपको उत्तर देने हैं। ये हम लोगों के कुछ इंस्ट्रक्शंस थे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। चलिए जरा देखते हैं हम लोग कि आखिर क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहला कि 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, एक क्वेश्चंस 10 मार्क्स का है तो कुल मिलाकर 50 मार्क्स हो जाएंगे जब हम 5 क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अलग अलग सेक्शन में से आपको चूज करके बनाना है। सेक्शन नंबर ए है, ए में टोटल क्वेश्चंस का बात करें तो टोटल क्वेश्चंस जो है 5 है शायद। आगे देखते हैं साथियों, पता चलेगा। पहला है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और बालक विकास में विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा बोल रहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, इसकी व्याख्या करना है। तीसरा बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझाइए। और नंबर 4 कह रहा है कि बाल विकास पर समाज और सांस्कृतिक परिवर्तन के मान्यताओं का वर्णन करें। ये सेक्शन ए का 4th क्वेश्चन था। जरा हम आगे देखें तो सेक्शन ए का ही ये 5th क्वेश्चन है, बालक के विकास पर सीमांतीकरण तथा रूढ़िवादिता किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखना है। और फिर बोल रहा है समाजीकरण को परिभाषित कीजिए, समाजीकरण प्रक्रिया परिवार समुदाय विद्यालय के संदर्भ में व्याख्या करिए। और नंबर 7 है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित अधिकर्मता विभिन्नताओं का वर्णन करें। मतलब कि सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चंस आपने देखा साथियों, इन 7 क्वेश्चंस में कितना भी क्वेश्चन करिए लेकिन हर एक सेक्शन से आपको 1 या 2 या कुछ भी क्वेश्चन आपको बनाने हैं, आपको टोटल 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। अब जरा हम सेक्शन बी में पहुंचते हैं कि सेक्शन बी में कैसे कैसे सवाल आए हैं। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 करके लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखें। पहला है अभिवृद्धि और विकास में अंतर, दूसरा है बाल्य अवस्था में नैतिक विकास, बच्चे के विकास पर खेल का क्या कार्य है और किशोरों को संभालने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। और इसमें 5वां है मित्र समूह और संबंध, और नेक्स्ट है साथियों, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है मित्र समूह एवं संबंध, और फिर उसके बाद भी है ऑप्शंस में नेक्स्ट एफ नंबर में है बालक के विकास में पर्यावरण की भूमिका क्या होनी चाहिए। ये खंड बी था। तो खंड बी से भी आपको सवाल का जवाब देना है, तो किसी ना किसी सवाल का जवाब देते हुए आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। वैसे ही खंड सी भी है, खंड सी में लिखता है कि निम्नांकित सभी प्रश्नों का उत्तर दे। इसमें सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो 9 नंबर सवाल क्वेश्चन किया हुआ है, ये 2×5 यानी कि ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन है और इस तरीके से ये 10 क्वेश्चंस है। अब चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है। इसमें है 9वां का ए में, इसमें बोल रखा है कि बल बनाना किस विकासात्मक विशेषता, मतलब कि ये 1-word आंसर है। और दूसरा बोल रहा है कि हीरो पूजा विकास के किस अवस्था से संबंधित है, और तीसरा बोल रहा है व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था।
और बोल रहा है डिसलेक्सिया डॉट डॉट में असमर्थता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरना है। और फिर पांचवा क्वेश्चन है जो इसका क्वेश्चन कह रहा है, 2x5 था यानी कि 2 नंबर वाला जो सवाल था, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं। तो साथियों ये था MU मगध यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर सेशन 2020-22 के फर्स्ट ईयर के कुछ पूछे गए यूनिवर्सिटी के द्वारा क्वेश्चंस। आप साथियों इस यूनिवर्सिटी से अगर BEd कर रहे हो तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर साथियों इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।